हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए राकेश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 3 टाइप्स ऑफ समर ड्रिंक्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है। आप ये ड्रिंक्स को बना के किड्स को भी सर्व कर सकते हैं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये ड्रिंक्स का जो इंग्रेडिएंट्स है वो घर पे ज़रूर रहते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये बनाने में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ये सारे ड्रिंक्स। मैं पहले बनाऊंगी वर्जिन मोजिटो, तो इसलिए मैंने एक बाउल में 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करके एक शुगर सिरप बनाऊंगी। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर है तो शुगर सिरप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने एक कांच का ग्लास ले लिया और इसमें मैंने ऐड किया 1 कटा हुआ नींबू और 4 से 5 पुदीना पत्ता। अब एक क्रशर से इसको मैं क्रश करूँगी। ऐसे क्रश करना है ताकि बहुत आसानी से नींबू का रस और पुदीना पत्ता का रस बहुत आसानी से निकल आए। ज़्यादा देरी तक क्रशर से क्रश मत कीजिए, वरना नींबू से इसका कड़वापन आ जाएगा। तो देखिए इसका रस निकल आए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर सिरप। आपको जितना स्वीटनेस पसंद है आप उतना शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच शुगर सिरप ऐड किया और थोड़ा सा मैं रख दिया वाटरमेलन जूस के लिए। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने जो आइस क्यूब है उसको ऐड कर दिया। आइस क्यूब बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सोडा को पोर कर दिया ग्लास में और ये बिल्कुल तैयार हो गया है ये वर्जिन मोजिटो। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिए क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तो मैं अब बनाऊंगी वाटरमेलन जूस। तो इसलिए मैंने एक मीडियम साइज़ का जो वाटरमेलन है उसका छिलका निकल के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके एक ब्लेंडिंग जार में मैं ऐड कर रही हूँ। अब जब ऐड करें तब मीडियम ब्लेंडिंग जार में ऐड करें, क्योंकि मैं जब ब्लेंड की तब ये छोटे वाले में किया तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैं बाद में मीडियम साइज़ का जो जार है उसमें ही किया था। तो अब मैं ऐड करूँगी शुगर सिरप। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच शुगर सिरप है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शुगर सिरप ऐड करें। अब ऐड करना है काले नमक और 2 पुदीना पत्ता। पुदीना पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यूज़ मत कीजिए। देखिए वाटरमेलन जूस बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो जूस को छान के भी पी सकते हैं, लेकिन पहले ही मैंने वाटरमेलन से सारे सीड्स को निकल लिए थे इसलिए मैं इस प्रोसेस को स्किप कर दिया। अब मैंने ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जो जीरा पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ आइस क्यूब की भी मैंने ऐड कर दिया। देखिए ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं और पीने में बहुत हेल्दी है। तो आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने किड्स के साथ ये शेयर कीजिए। मैं साइड से एक छोटा सा वाटरमेलन का जो टुकड़ा है उसको ऐड कर रही हूँ ताकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगे। बस ये बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। कितना इजी रेसिपी है और कितना आसानी से ये बनते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तो चलिए देख लेते हैं और एक क्विक रेसिपी। अब मैं बनाऊंगी मसाला थम्सअप। थम्सअप तो सबको बहुत पसंद है और पीने में भी बहुत मज़ा लगते हैं। तो ये सामर को स्पेशल बनाने के लिए बनाते हैं मसाला थम्सअप। तो मैंने एक ग्लास ले लिया और ग्लास में 4 से 5 आइस क्यूब ऐड कर दिया और आइस क्यूब देने के बाद मैंने ऐड किया 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। अब ऐड करना है सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है नींबू का रस। 1/2 छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड करना है और इसके बाद आपको ऐड करना है थम्सअप को। तो मैंने धीरे धीरे थम्सअप को पोर कर रही हूँ। अगर मैं एक साथ थम्सअप को पोर करूंगी तो ये ऊपर से निकल आएगा, तो इसलिए धीरे धीरे थम्सअप को पोर करना है ताकि ये गिरे नहीं।
बस ये रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं ये कितना अमेजिंग और डिलीशियस लग रहे हैं। ये जो मसाला थम्स अप है ये मुझे पीना बहुत पसंद है। दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो रेसिपीज़ है ये आपका जो समर है वो स्पेशल बनाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल राखीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल बटन है न्यू अपडेट्स के लिए उसको प्रेस कर दीजिए। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।